मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है गोवर्धन पूजा, आज हम गोवर्धन पूजा करेंगे शाम को, और उससे पहले हम गोवर्धन बनाएंगे। मतलब जो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था आपको कि मम्मी सुबह सुबह गोबर लेके आ जाएगी, आ गई है लेकर, और बस अब नीचे जा रहे हैं मैं और मम्मी। मतलब मुझे बनाना तो आता नहीं है, मम्मी ही बनाएगी, और बस अब नीचे जा रहे हैं बनाएंगे। और कैसे बनाती मम्मी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, हम कैसे बनाते हैं। और मतलब सबका तरीका अपना अलग अलग होता है कि कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से, बट हम तो शुरू से ही ऐसे बनाते हैं। तो आप हमारा ये ब्लॉग आज का ज़रूर एंड तक देखना। देखिए आ गया है गोबर, और हम यहाँ पार्किंग में ही बनाएंगे गोवर्धन। कितना सारा गोबर ली पन्नी में भी गोबर है। फ्रेंड्स अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं, यहाँ सारे किराएदारों की यहाँ बाइक वगैरह खड़ी है। सचिन नमस्ते। कौन सा बाइक हटवानी पड़ेगी। कर दो अभी, तो फिलहाल कर दो, नहीं आ पाएगा बाइक सरक जाएगी। हाँ तो थोड़ा सा ऊपर कर, जैसे नीचे कर वहां से ऊपर कर दो। पांच
तो फ्रेंड्स अब शाम हो गई है, शाम के 6 बजने वाले हैं। हाँ 6 बजने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे गोवर्धन पे जोत लगाने के लिए और हलवा खिलाने के लिए। हलवा भी बना दिया है। चलो सुबह तो मैंने आपको दिखा दिया था कि मतलब कैसे बनाया गोवर्धन। अब शाम के टाइम यहाँ पर जोत वगैरह लगती है और जब पापा ऑफिस से आ जाएंगे तभी यहाँ पर फिर पूजा वगैरह करेंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ डिनर की तैयारी चल रही है। आज गोवर्धन पूजा वाले दिन हम बनता है हलवा, सब्जी पूरी बनती है तो बस अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। और बल्कि हलवा तो मम्मी ने बना दिया, मैं अब सब्जी बना रही हूँ और कोई अब रोटी खाएगा कोई। और हमने अब तक गोवर्धन की पूजा नहीं करी है क्योंकि पापा ऑफिस से अब तक आए नहीं है। अब पापा आ जाएंगे तभी पूजा करेंगे, बिना पापा के तो पूजा तो नहीं हो नहीं सकती ना। तो अब देखते पापा कब तक आते हैं, पापा के आने के बाद ही गोवर्धन की पूजा होगी। वैसे जोत तो लगा दी और हलवा भी खिला दिया है, बस अब मैं खाना बना देती हूँ। सबको भूख लग रही है, रात तो बल्कि लेट हो गए, 7:35 भी हो गए यहाँ। तो नीचे हो गए पापा, अब कॉल कर लो। तो फ्रेंड्स मैंने अब ये देखिए आलू की सब्जी भी बना दी, रायता भी बना दिया, आटा भी गूंद दिया, पर हलवा मम्मी ने बनाया है। और बस अब पूरी की तैयारी भी चल रही है, रोटी की भी तैयारी चल रही है क्योंकि घर में आधे लोग पूरी खाएंगे और आधे रोटी खाएंगे। तो इसलिए मैंने तवा भी पहले चढ़ा दिया और कढ़ाई भी पहले चढ़ा दी क्योंकि कान्हा जी को मैं पूरी खिलाऊंगी तो उसके लिए मैं पहले पूरी बनाऊंगी फिर बाद में रोटी बनाऊंगी, तो इसलिए फटाफट दोनों ही खट्टी बना दूंगी मैं। Wanna come a little closer? तो फ्रेंड्स अब पापा भी आ गए हैं और बस हम जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। चलो चल रहे हैं, चल। ये मेरे ही वेट करता रहता है, ये वेट कर, चल आ जा, ला मुझे दे दे, चल आ जाओ। सब नीचे वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे साथ कान्हा जी भी जा रहे हैं। चलो ये मीट रूम में घुसा रहे, पूजा तो कर लो। पापा को दे दो, ये सुन रहे हो, पापा को दे दो, पापा को दे दो। तो
कहाँ ध्यान है कान्हा जी को पैसे मिले दिखा मिले कान्हा तेरे को तो कान्हा जी के अलग मिलेंगे पूरा पैकेट है पूरा पैकेट तो फ्रेंड्स सब आ गई हूँ ऊपर और नीचे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं खील खा रही हूँ अब बज गए हैं 9:15 आज बहुत लेट हो गए बल्कि पहली बार ही ऐसा हुआ कि इतना लेट हो गए हम वरना तो कभी इतना लेट नहीं हुए बस वही पापा की ड्यूटी ऐसी है कि जिस वजह से हम लेट हो जाते हैं तो चलो कोई नहीं गोर्धन तो हमने सबने साथ में मिलकर बनाया है बच्चे भी आ गए शायद तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन गोवर्धन पूजा करता है कौन नहीं करता मतलब शायद किसी किसी घर में शायद नहीं भी होती हो कोई मतलब दिवाली पे ही मैंने कई जगह सुना है कोई दिवाली पे ही गोवर्धन पूजा कर लेता है कोई अगले दिन करता है कोई मतलब आज कर रहा है कोई कल करेगा सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं आगे बच्चे आ गए आ जाओ बच्चों सारे नहीं कर रहे क्यों बस आ गए काम नहीं कान्हा जी का सोने का टाइम कान्हा जी के पैसे बिल्कुल अलग रखने तो फ्रेंड्स जो भी कान्हा जी को पैसे मिलते हैं वो हम सब अलग रखते हैं मतलब अपने पैसों में मिक्स नहीं करते अब सोच रही हूँ ऐसा क्या करूँ मतलब जो कान्हा जी के पैसे हैं उनका मैं ऐसा क्या करूँ प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहीं दान पुण्य का काम करूँ या फिर गरीबों को मतलब खाना खिला दूँ या गौशाला में जाऊँ ऐसा क्या करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कान्हा जी के पैसों का मैं ऐसा क्या करूँ क्योंकि मैं कान्हा जी के पैसों को घर में मतलब घर के काम में मतलब मैं उनमें नहीं मिलाना चाहती मैं अलग ही रखना चाहती हूँ कान्हा जी के पैसे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कान्हा जी के पैसों का क्या करना चाहिए हमें